थ्योरम है वो ये है, लेट अल्फा बी बाउंडेड ऑन इंटरवल ए बी। फंक्शन जो है बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी में, और अल्फा हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंटरवल ए बी में, तो हमने क्या प्रूफ करना है, इंटरवल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ अल्फा एक्स इज लेस एंड इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ अल्फा एक्स। अब देखें ये इसका क्या मतलब है, ये है लोअर मास रिलीजियस इंटेग्रल और ये है अपर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि लोअर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल इज लेस एंड इक्वल टू अपर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल। अब देखिए हमने इसके लिए क्या करना है, दो पार्टीशन से ले ली है पी वन एंड पी टू, बी एनी पार्टीशन एंड पी जो है उनकी क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है पी वन एंड पी टू। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हमें पता है कि एल पी वन एफ एल्फा इज लेस एंड इक्वल टू एल पी एफ एल्फा। पी हमने कॉमन लिया था इसलिए हमें यहाँ पर लिख दिया, सेंटर में लिख दिया, लेस एंड इक्वल टू यू पी एफ एल्फा इज लेस एंड इक्वल टू यू पी टू एफ एल्फा। ये हमने सीक्वेंस ले लेना है क्योंकि ये इससे लेस है, ये इससे लेस है और ये इससे, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि एल पी वन एफ एल्फा इज लेस एंड इक्वल टू यू पी टू एफ एल्फा। हमने इसको इससे लेस लिख दिया। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें करनी, क्या करना है, पहले हमने पी टू को फिक्स करना है और पी वन को वेरी करना है। हमने क्या करना है, ये जो पी वन था पी टू को फिक्स किया, जो पी वन था इसका हमने लीस्ट अपर बाउंड ले लिया। ठीक है, इसका जब हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया तो आपको ये आप पहले कर चुके हैं कि एल पी वन एफ एल्फ़ा, इसका जब हम लीस्ट अपर बाउंड लेंगे तो ये चीज़ किसकी इक्वल आती है, ये आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये इस चीज़ की इक्वल है इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स टू एफ एल्फा एक्स, और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को फिक्स रखना है और इसको हमें वेरीफाई करना है, इसका हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लेना है। जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू पी टू एफ अल्फा किसके इक्वल होता है, इंटरवल ए टू बी और बी के ऊपर ही बार आ जाता है एफ ऑफ डी ऑफ अल्फा एक्स। तो देखें हमारा प्रूफ हो गया है। ओके क्लास, ये जो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी बाउंडेड ऑन इंटरवल ए बी एंड अल्फा बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन ए बी। ठीक है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, देन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली, अब देखें यहाँ पे इफ़ एंड ओनली की कंडीशन आ गई, इट मींस कि हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूफ करना है। पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है आर अल्फा से तो ये चीज़ हमने सेटिस्फाई करनी है, और फिर इसका कन्वर्सली क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ये चीज़ इससे लेस देन एप्सिलॉन से तो जो फंक्शन है वो बिलोंग करेगा आर अल्फा से। तो ये जो थ्योरम है मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ये आपने खुद से कोशिश करनी है, और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ये कैसे करनी है, पर एक दफ़ा आपने ट्राई ज़रूर करना है।